नमः परमहंसा स्वादिति चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च बक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलिलवशैलितां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहांधतमोपहाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम् विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगींद्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भार्तृकिकारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवास्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम अतिकल्याण रूपत्वान्
नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अज्ञान से छूटकर अनंत अखंड ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। तो जो भगवान का ज्ञान है, ये ज्ञान ये भवरोग की दवा है। संसारामय भेषजम तु अघहरम ध्वान तापहम तापहम। संसार क्या है? एक रोग है, आमय नाम रोग का है। वो संसार का एक अंश एक टुकड़ा ये हमारा तुम्हारा शरीर है, तो ये शरीर भी एक रोग है और ये जीव को रोग लग गया है। अनंत जन्म बीत गए और ये शरीर रूपी रोग न छूटा। तो इसकी और कोई तो दवा है नहीं। ये अज्ञान से हुआ है ये शरीर रूपी रोग। इसलिए जो उत्तम वैद्य डॉक्टर होते हैं वो रोग की दवा नहीं करते, वो रोग के कारण की दवा करते हैं। रोग हुआ क्यों, उस कारण को मिटा देंगे, कार्य अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए माधव निदान सारंगधर संहिता कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें रोग का कारण बताया गया है। इसलिए वैद्य लोग उस कारण की दवा करते हैं। ये संसार रोग लगा क्यों है? इसका कारण है भगवान का न जानना, अज्ञान। इसकी दवा क्या है? कहा ज्ञान ही इसकी एक दवा है। तो संसारामय भेषजम, संसार रूपी आमय माने रोग की ये भेषज है माने दवा है। संसारामय भेषजम त्वघहरम और संपूर्ण पाप का नाश करने वाला है। ध्वान तापहम तापहम, अज्ञान अंधकार को नाश करता है और ताप हम देहिक दैविक भौतिक, ये तीन ताप होते हैं। जब भव रोग ही नहीं रहेगा तो ताप कहाँ से रहेंगे? अरे ये शरीर है तभी इसमें देह संबंधी ताप माने दुख होता है, फिर रोग बीमारी से हो गया दुख, ये ताप कहलाता है। तो शरीर ना होवे तो रोग की कोई
है ही नहीं। और तीन ताप होते हैं देवताओं के द्वारा, जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, विद्युत पात, ये देवताओं के द्वारा जो दुख आपड़ते हैं इनको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप होते हैं सांप से, बिच्छू से, सिंह से, व्याघ्र से और शत्रुओं से, चोर, बदमाश, डाकुओं से जो दुख आते हैं इनको भौतिक ताप कहते हैं। ये तीन प्रकार के दुख ताप कहलाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के तापों की भी दवा है। एक अज्ञान के नाश होते ही सब ताप, सब रोग, सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अज्ञान कृतो बंधः अतो अज्ञान निवर्तते। अज्ञान का किया हुआ ये जन्म मरण का दुखों का बंध क्या है? दुख ही बंध है। और मोक्ष क्या है? सुख ही मोक्ष है, सुनित्य सुख। विषय संबंधी तो क्षणिक सुख है, उसके बाद तो दुख ही होता है। इसलिए नित्य सुख को ही मोक्ष कहते हैं। अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रैः किम औषधैः कृते। अज्ञान रूपी सर्प ने जिसको डसा है उसकी दवा एकमात्र ज्ञान ही है। अज्ञान रूपी सर्प की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, उसकी दूसरी औषधि नहीं। अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च। ब्रह्म ज्ञान बिना अन्य वेद, शास्त्र, पुराण से क्या प्रयोजन है? किम मंत्रैः किम औषधैः, और किसी मंत्र तंत्र से क्या आवश्यकता है? और कोई औषधियों से क्या प्रयोजन है? क्योंकि और कोई औषधियां मंत्र तंत्र काम नहीं करते, एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ही इसकी औषधि है। क्योंकि ब्रह्म के अज्ञान से ये सब दुख आए हैं, जन्म मरण का रोग लगा है, ब्रह्म ज्ञान से ही ये निवृत्त होगा। जैसे रस्सी के अज्ञान से ही सर्प और सर्प भय उत्पन्न हुआ है, रस्सी को न जाना, उसमें कल्पित मिथ्या झूठा भ्रम रूप सर्प प्रकट हो गया, अब वो भय देता है, तब उसकी औषधि क्या है? वो अस्त्र शस्त्र से तो वो सर्प मरेगा नहीं, भय दे रहा है, दुख दे रहा है। कथा है कि कोई ब्राह्मण अपने गांव में किसी काम के वास्ते अपने घर से निकला और गांव में जाके लोगों से मिलकर अपना काम बनाया और फिर अपने घर के लिए लौटा, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में जब अपने घर के दरवाजे में आया तो उसको मालूम हुआ कि कोई काला नाग पड़ा हुआ है। अब वो अकस्मात पीछे को लौटा, भागा तो पैर में ठोकर लगी और वो गिर पड़ा, तो माथे में लग गया, नाक में लग गया, खून बहने लगा, बहुत दुखी हो गया। तो सर के भय से कंपायमान और ये पीड़ा दुख हो गया, फिर गांव में लौट करके आया। लोगों ने कहा, पंडित जी ये क्या हुआ, माथा कैसे फूट गया?
तो पंडित जी ने बताया कि मैं जब यहाँ से गया आप लोगों से मिलकर, तो जब घर के दरवाजे में पहुंचा तो एक काला नाग पड़ा था। तब मैं घर कैसे जाऊं, घर के दरवाजे में पड़ा था, घर का दरवाजा बंद है, कैसे खोलूं, कैसे घर के भीतर जाऊं। तो मैं वापस लौटा तुरंत, तो अंधेरा था तो ठोकर लग गई, पैर में ठोकर लगने से गिर गया, इसलिए मेरा माथा फूट गया, नाक से खून बहने लगा। गांव के लोगों ने पंडित जी के माथे में मलहम लगाई, पट्टी किया, और फिर सब गांव वाले लोगों ने कहा चलो पंडित जी हम उस सर्प को मार भगाते। गांव के लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, कोई भाला, कोई बर्छी, कोई तीर, कोई तलवार, कोई लाठी, कोई डंडा लेकर के चले। दरवाजे में पहुंचे, दूर से पंडित जी ने दिखाया, वो देखो पड़ा है सांप। अब सब लोगों को वो सांप ही दिखाई पड़ा, रस्सी दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि अंधेरा था। एकदम अंधेरा हो तो कुछ भी न दिखे, और एकदम उजेला हो तो जो होगा सांप की रस्सी वो दिखाई पड़ेगी। तो ये भ्रम होता है मंद अंधकार में, थोड़ा अंधेरा हो और थोड़ा उजेला हो, उसको मंद अंधकार कहते हैं। ऐसी अवस्था में वो रस्सी का सांप बन बैठता है, तो सबको वो सांप दिखाई पड़ने लगा, तो दूर से ही लोग मारने लगे। मारते 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 सारी रात बीत गई, और मारते मारते सब हार गए। अब वो सांप मारा ना मारा, तुलसीदास जी ने लिखा है स्रगमह सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होए अविचारे बहु आयुध धरी, बल अनेक करी हारी मरे न मारे। मारते मारते हार गए और वो मारा न मारा सर, बैठ गए हार करके। प्रातः काल हुआ, भगवान भास्कर का उदय हुआ, तो क्या देखा, एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और सांप वहां कुछ नहीं है। तो अपनी अज्ञानता में वो हंसने लगे कि देखो तो रस्सी को हमने सांप समझा था। अब भय कंप दूर हो गया, अब वो चोट जो लग गई है माथे में उसके अच्छा करने में इसको 10-5 दिन तो लगेंगे थोड़ा, परंतु ये सर्प का भय और ये दुख, ये चोट क्यों लगी रस्सी के न जानने से। तो रस्सी के ज्ञान बिना न सर्प दूर होता है न भय दूर होता है, रस्सी के ज्ञान से ही ये भय दूर होता है, सर्प नहीं रहता, क्योंकि है ही नहीं, केवल अज्ञान का परिणाम है और रज्जु का विवर्त है। रस्सी को न जाना, वो न जानना अज्ञान होता है, वो अज्ञान ही सर्प रूप में परिणित हो गया है, इसलिए ये अज्ञान का परिणाम माने विकार, अज्ञान ही ने सांप का रूप धारण किया है। और रज्जु का विवर्त है माने रज्जु में भ्रम रूप है, है नहीं, भ्रम रूप है। रज्जु को ही रज्जु का अज्ञानी सांप के रूप में देखने लगा। इसी प्रकार से आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान् न भासते रज्जु ज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। आत्म अज्ञानात् जगत भाति,
आत्मस्वरूप के न जानने से कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा हूँ, न जानने से माने इस अज्ञान से ही ये संसार सर प्रकट हो गया। माने ये अज्ञान का परिणाम है, आत्मा को न जानना, ब्रह्म को न जानना अज्ञान है। ये अज्ञान ही सर्प बन, संसार सर्प बन बैठा है। इसलिए इसकी दवा क्या है? आत्मज्ञान ही इसकी दवा है, और दूसरी औषधि क्या काम करेगी? अस्त्र शस्त्र या कर्म उपासना क्या काम करेगा? जैसे वो रस्सी में झूठे सर्प को मारने के लिए अनेक उपाय किए और वो मारा नहीं मारा, ये कर्म किया। परंतु यदि उपासना कहते कि हे नाग देव, तुम चले जाओ, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या वो सर्प चला जाता? तो कर्म और उपासना से वो सांप नहीं जा सकता, तो ज्ञान से ही जाएगा। ऐसे ही ये संसार संबंधी जो अज्ञान है, संसार का कारण अज्ञान है, वो कर्म उपासना से नहीं जाता। कि हे अज्ञान, अज्ञान अंधकार, तुम चले जाओ, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तो वो नहीं जा सकता है। या अज्ञान अंधकार को कोई मार के भगाना चाहे तो अज्ञान अंधकार क्या मारने कूटने से जाएगा? या टोकरी में भर भर के कोई फेंकना चाहे घर का अंधेरा, तो क्या जा सकता है? वो नहीं जा सकता है। उसकी दवा तो अंधकार के एक प्रकाश ही है, और संसार में कोई विकल्प ही नहीं है, दूसरी कोई औषधि नहीं है। अंधकार के नाश करने के एकमात्र प्रकाश, इसी प्रकार से इस अज्ञान के नाश के लिए कर्म उपासना काम नहीं करते। एक ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। कर्म उपासन ते नहीं जग निदान तम नाश, अंधकार ज्यो गेह को मिटे न भिन प्रकाश। इसलिए आत्मा का ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? कहा गुरु और वेद ही एकमात्र साधन है, और दूसरा कोई साधन है नहीं। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में नारद और सनत कुमार जी का संवाद आता है। अब देखो, नारद जी बड़े धर्मात्मा महात्मा थे, कभी पाप कर्म नहीं करते थे, और भगवान के परम भक्त थे। भगवान विष्णु के पौत्र हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और योगी हैं। ऐसा योग तो संसार में देखने में नहीं आता जैसा नारद जी योगी। पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोक मुपागता, अनेक लोकों में विष्णु लोक, ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक, और कभी कभी इस मृत्यु लोक में भी आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? योगी है ना, उनको कोई रोक नहीं सकता, योग बल से वो सब जगह चले जाते हैं, जहां चाहे अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं, हर प्रकट भी हो सकते हैं, इसलिए उनको कोई मार भी नहीं सकता। कई राक्षसों ने उनको मारने का प्रयत्न किया, नारद जी ने कहा तुम मुझको क्या मार पाओगे, मारो। वो मारते हैं तलवार, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, दूसरी तरफ प्रकट हो जाते हैं, फिर उधर मारते हैं, उधर छिप गए, अंतर्ध्यान हो गए, दूसरी तरफ प्रकट हो गए, हार जाते हैं मारते मारते। तो ऐसे योगी और धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त नारायण नारायण नारायण,
हमेशा ये भगवान नारायण का कीर्तन ही करते रहते हैं, वीणा बजाते रहते हैं, भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। ऐसे धर्मात्मा, परम भक्त और योगी होते हुए भी आत्मज्ञान न होने के कारण शोक युक्त थे तब। और इनके बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भाई ब्रह्मा जी से सबसे पहले उत्पन्न भए थे। ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं, मन से संकल्प किया और इनके उत्पत्ति भाई। और नारद जी भी मानस पुत्र हैं। तो सनत कुमार जी के पास में गए और कहा, अधि ही भगवती होप ससाद सनत कुमारम नारदः। और बोले, हे भगवान, मैं शोक सागर में डूब रहा हूं, बहुत दुखी हूं। आप मेरे बड़े भाई हो और ब्रह्म ज्ञानी हो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे शोक सागर से पार करो। शास्त्र रीति से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझे वो ज्ञान दो जिससे मैं शोक सागर से पार हो सकूं। अधि ही भगवती होप ससाद सनत कुमारम नारदा, तम हो आज यत तुम वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वम वक्ष्यामि थी। तब वे सनत कुमार जी नारद जी से बोले, हे नारद, जितना ज्ञान तुमको हो वो हमको तुम बताओ, फिर उसके आगे हम बताएंगे। तो बहुत अच्छा कह के नारद जी ने कहा, ठीक है, सहो आच नारदा। नारद बोले, ऋग्वेदम भगवद्धेमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पितृयम राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प विद्याम देवजन विद्याम एतद् भगो अध्येमि। हे भगवान, इतना मैंने अध्ययन किया है, मैंने ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद ये चार वेदों का अध्ययन किया है। और कहा, पंचमम इतिहास पुराणम, पांचवा वेद वेदों का ही विस्तार व्यास जी ने किया है, इतिहास से महाभारत 100,000 श्लोक वाली महाभारत है और 18 पुराण है, 18 पुराण। तो 18 पुराण और महाभारत का मैंने अध्ययन किया है। और बोले, वेदानाम वेदम, और वेदों का वेद भी मैंने अध्ययन किया है। सनत कुमार जी ने कहा, वेदों का वेद क्या होता है? कहा, वेदानाम वेदम व्याकरणम, वेदों का वेद व्याकरण है। कथम, कैसे वेदों का वेद व्याकरण है? तो कहा, व्याकरणे नैव ऋग्वेदादि ज्ञायन्ति, अतः वेदानाम वेदम व्याकरणम, व्याकरण के द्वारा ही वेदों में प्रवेश होता है। यदि व्याकरण नहीं जाने तो वेदों में प्रवेश ही नहीं होगा, क्योंकि सभी वेद व्याकरण में है, ईश्वर की वाणी है और संस्कृत है, माने परम शुद्ध है। सर्वज्ञ होने से ईश्वर से अशुद्धि होगी ही नहीं, जीव अल्पज्ञ है इससे अशुद्धि हो सकती है।
इसलिए जीव को संस्कृत पढ़ना पड़ता है अपनी अशुद्धि वाणी को शुद्ध करने के लिए। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसकी वाणी तो सदा संस्कृत ही है, शुद्ध ही है, उसमें अशुद्धि है ही नहीं। इसलिए यदि वेदों को पढ़ना हो तो व्याकरण पढ़ना उसको अनिवार्य है। व्याकरणम मुखम प्रोक्तम, यदि कहो व्याकरण जो है वो तो वेदों का एक अंग है, क्योंकि वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति खडंगा। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग हैं। परंतु इन 6 अंगों में व्याकरणम मुखम प्रोक्तम, व्याकरण मुख रूप अंग है। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर अन्न जल जाएगा तो कहाँ से जाएगा, मुख से ही जाएगा, मुख ही एक द्वार है। इसी प्रकार से वेद में प्रवेश करने के लिए व्याकरण मुख है, व्याकरण के बिना वेद में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए नारद जी ने कहा ये वेदों का वेद है, तो मैंने व्याकरण का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। वेदानां वेदम, पित्र्यम राशिम दैवम निधिम, पित्र्यम श्राद्ध कल्पम, जो पितरों की विद्या है, पिंडदान है, तर्पण है, श्राद्ध है, ये पितरों की विद्या है का इसका भी अध्ययन मैंने किया है। राशिम, राशि कहते हैं गणित शास्त्र को, गणित शास्त्र का मैंने अध्ययन किया है। दैवम, दैव विद्या कहते हैं उत्पात ज्ञानम, कभी कभी देवता लोग उत्पात करते हैं, भूकंप कर देवें, अतिवृष्टि कर देवें, अनावृष्टि कर देवें, विद्युत्पात कर देवें। तो नारद जी कहते हैं इस विद्या को मैं जानता हूँ, देवता लोग क्यों ये उत्पात करते हैं और कब करते हैं, तो इनको मैं जानता हूँ, इसको हटाओ। और उसकी निवृत्ति भी जानता हूँ कि देवता लोग ये उत्पात ना करें, उसका उपाय भी जानता हूँ। तो दैवम और निधिम और हे गुरुदेव, निधिम, निधि कहते हैं खजाना को, और ये पृथ्वी सब चीज का खजाना है, हीरा लाल जवाहरात, मुक्ता मणि सोना चांदी, सब चीज का खजाना ये पृथ्वी है। पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के गर्भ में सब धन भरा हुआ है, सब खजाना भरा हुआ है। तो मैं ये नीति शास्त्र पढ़ा हूँ, ये विद्या जानता हूँ, कहाँ हीरा लाल जवाहरात किस जगह पर गड़े हैं, कहाँ सोना चांदी है, तो ये मैं जानता हूँ। चाहे कितना भी अरबों खरबों की संपत्ति में निकाल लूं और दूसरों को भी बता दूं कि यहाँ पर इतना धन गड़ा हुआ, निकाल ले। तो निधि शास्त्र मैंने निधि विद्या, भूगर्भ ज्ञानम,
भूमि के गर्भ का मुझको ज्ञान है कि भूमि के उदर में गर्भ में कहाँ क्या चीज पड़ी है। वाको वाक्यम, और मैं तर्क शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ। तर्क शास्त्र में ऐसा होता है, कोई आस्तिक होते हैं, कोई नास्तिक होते हैं। तो नारद जी तो भगवान के परम भक्त आस्तिक हैं। कभी नास्तिकों से भेंट हो जाए तो उनसे नारद जी शास्त्रार्थ करते हैं कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते हो। उनसे पूछते हैं, तुम क्यों नास्तिक हो जो ईश्वर को न माने, ईश्वर की वाणी वेद को न माने, उसको नास्तिक कहते हैं। तो नारद जी उसको पूछते हैं कि भाई तुम ईश्वर को क्यों नहीं मानते। तो वो कहते हैं, ईश्वर तो दिखाई पड़ता नहीं है, संसार प्रत्यक्ष दिखता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध संसार है, इसलिए यही सत्य है। और जो कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है, वो पता नहीं है कि नहीं है। इसलिए हम ईश्वर को नहीं मानते। नारद जी कहते हैं, ठीक है, अब हम तुमसे प्रश्न करते हैं, ये बताओ, तुमने अपने पिता को तो देखा है ना? हाँ बोले, देखा है। और पितामह को देखा है, माने बाबा को देखा है कि नहीं देखा? तो कहता है कि हाँ, हमने अपने पितामह को भी देखा है। फिर कहा, प्रपितामह को देखा है कि नहीं? माने बाबा के बाबा को, उनका भी तो पिता रहा होगा ना, कि बिना पिता के कोई पुत्र पैदा हो जाएगा? तो कहता है, प्रपितामह को तो मैंने नहीं देखा, तो क्या तुम ये कहोगे कि मेरे पिता थे ही नहीं? पितामह प्रपितामह नहीं थे? यदि तुम्हारे प्रपितामह नहीं होते तो पितामह कहाँ से आते? यदि पितामह नहीं होते तुम्हारे पिता कहाँ से आते? जब तुम्हारे पिता न होते तो तुम कहाँ से पैदा होते? बिना पिता के पुत्र नहीं हो सकता, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। फिर तुम तो दो ही तीन पीढ़ी के आगे का हाल नहीं जानते, उनके पिता का, उनके पिता का हाल, फिर 10-20 पीढ़ियों का हाल तुम क्या जानो? तो क्या मना कर दोगे कि वो नहीं थे, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ते? यही ना तुम्हारा तर्क है? नहीं मना कर सकते, क्योंकि फिर ये परंपरा तुम भी नहीं होते यदि वो नहीं होते तुम्हारे बुजुर्ग लोग। एक बात। और दूसरी बात, बहुत सी देश हैं, बहुत से वस्तुएं हैं जिनको तुम नहीं जानते, तो क्या मना कर दोगे कि वे देश, वे लोग, वे वस्तुएं हैं ही नहीं? यहाँ तुम खड़े हो, इस पृथ्वी के नीचे क्या क्या चीज गड़ी है तुम जानते हो? दिखाई पड़ता है तुमको? बोले नहीं दिखाई पड़ता। तो तुम मना कर दोगे कि नहीं है? और मैं तो भूगर्भ विद्या जानता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ, तुम मना नहीं कर सकते कि नहीं है? तो न दिखाई पड़ना नहीं होने का कोई प्रमाण नहीं। अनेक देशों को तुम नहीं जानते, तो क्या मना कर दोगे कि वो देश है ही नहीं? इस प्रकार से अनेक देश, काल और अनेक वस्तुएं और सब चराचर जगत का जो पिता है, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वो दिखाई तो नहीं पड़ता, परंतु उसका पुत्र चराचर जगत तो दिखाई पड़ रहा है ना। तो पुत्र को देखकर पिता का अनुमान ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि पिता नहीं होगा तो पुत्र होगा ही नहीं, भले ही तुमने नहीं देखा हो। तो न दिखाई पड़ना
नहीं होने का प्रमाण नहीं है। तो ईश्वर वही है जो जगत का पिता है, और उसको तुमने देखा नहीं, पर उसका पुत्र रूप चराचर जगत को तुम देख ही रहे हो। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि जगत पिता परमात्मा ईश्वर अवश्य है। और ये बताओ, क्या तुम जगत बना सकते हो? जगत का एक अंश, एक स्त्री या पुरुष तुम बना सकते हो? न जगत पूरा बनाओ तो एक शरीर का निर्माण कर सकते हो? कहता है नहीं। फिर तुमने तो बनाया नहीं ये संसार, और बनाने वाले को तुमने देखा नहीं है, तो संसार को देख रहे हो। इसलिए तुमको निश्चय करना चाहिए वही ईश्वर है जिसने संसार की रचना किया है। ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर की वाणी पर विश्वास करो, और मेरे तर्क के आधार पर तुम विश्वास करो, क्योंकि आगे तुम्हारी वाणी नहीं चल रही, जवाब नहीं दे पा रहे हो। इसलिए वेद कहता है, यतो आयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है, पुनः जिसमें लीन हो जाता है, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार से नास्तिक से नारद जी शास्त्रार्थ करके उसको आस्तिक बना देते, हार जाता है वो। तो वाको वाक्यम एकायनम, एकायन कहते हैं नीति शास्त्र को। हे भगवान, नारद जी कहते हैं सनत कुमार जी से, मैंने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है, राजनीति धर्म नीति ये सब नीतियों का मैंने अध्ययन किया है। देव विद्या, ये देवताओं की विद्या, ये यज्ञ आदि कर देवलोक है, और जो यहाँ देवताओं के भक्त हैं, देवताओं के लिए यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करते हैं देवताओं का, सो देवताओं को वो आहुति प्राप्त होती है, और जिस अग्नि में हवन करते हैं वह अग्नि हव्य वाहक है। जिस देवता के निमित्त इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा बोला गया, तो वो आहुति वो अग्नि देवता इंद्र को पहुंचा देता है, उसका यही काम है। इसलिए यज्ञाजकों के द्वारा देवताओं का पूजन होता है, अब वो प्रसन्न होते हैं और फिर समय समय पर वर्षा करते हैं, तो बहुत अन्न पैदा होता है, तो संसार के लोग सुखी होते हैं। और जो लोग यज्ञाजक नहीं करते, देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं, तो देवता लोग भी नाराज हो जाते हैं, वो पानी नहीं देते, क्योंकि जो अन्न होता है तो मनुष्य तो हल जोत करके बीज बो करके इतना ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर पानी बिना तो अन्न होगा ही नहीं, तो पानी तो देवता लोग देते हैं। तो देवता कहते हैं कि इस अन्न में जो तुमने पैदा किया है तो हमारा भी तो हिस्सा है ना, हमारा भी तो साझा है, हमने पानी दिया है और तुमने मेहनत किया है, पर हम पानी न देवे तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, खेती सूख जाएगी। इसलिए देवताओं के लिए यज्ञ द्वारा भोजन देना चाहिए, उनका भी कुछ अन्न में हक है, तो उनका हक भी नहीं खा जाना चाहिए। भूतों की विद्या है, बहुत से भूत प्रेत बैताल हैं, बैताल भूत प्रेतों का राजा है। भूतों को बस में करना, किसी को भूत लगा हो उसको मंत्र पढ़ के उतार देना,
तो नारद जी कहते हैं वो भूतों की विद्या मैं जानता हूँ, भूतों को उतार लेता हूँ, अब भूतों को वश में कर लेता हूँ, अब मेरा भूत प्रेत कुछ नहीं करते, भूत विद्या। छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम और छत्र माने क्षत्रियों की विद्या धनुर्वेद में जानता हूं और नक्षत्र विद्या ज्योतिष शास्त्र में जानता हूं। सर्प विद्याम सर्पों की विद्या में जानता हूं, सर्प विद्याम गारुड़ी शास्त्रम, गारुड़ी शास्त्र है उसमें सब नाना प्रकार की अनेक जातियों के सर्पों का वर्णन है, काले पीले नीले हरे बैंगनी और कौन से सर्प में कैसा कितना विष है, कितना जहरीला विष है, ये सब उसमें वर्णन है। और फिर उसमें मणि मंत्र औषधियां लिखी हैं गरुड़ शास्त्र गारुड़ी शास्त्र में, उन मणि मंत्र औषधियों के द्वारा जिसको सर्प काटा हो उतार दिया जाता है, सर्प का विष उतर जाता है और सर्पों के बस करने के मंत्र हैं, सर्पों को नागों को बस में कर दो, 10-20 सर्प इधर उधर पड़े हैं। इस प्रकार से सर्पों की विद्या मैं जानता हूं। देवजन विद्या, देवजन विद्या कहते हैं संगीत को, नृत्य वाद्य और गीत तीनों को मिला करके कहते हैं संगीत। तो गंधर्व विद्या ये गंधर्वों की विद्या है, नारद जी कहते हैं मैं जानता हूं इसको देवजन विद्या। एतद् भगव अध्ययन, हे भगवान इतना मैंने अध्ययन किया है। सोहम भगवह मंत्र विदे वास्मी न आत्मविद, सो हे भगवान मैं केवल इन मंत्रों का ही वेत्ता हूँ, जानकार हूँ, न आत्मविद अपनी आत्मा को नहीं जानता हूँ। सोहम भगवान शोचामि, इसलिए हे भगवान मैं शोक करता हूँ। सुतम हेव में भगवत दृशेभ्य तर्त शोकम आत्मविद, मैंने आप जैसे भगवत दर्शी पुरुषों से ऐसा सुना है कि जो अपनी आत्मा को जानता है वो शोक सागर दुख सागर से तुरंत पार हो जाता है। सो हे भगवान मैं तो आत्मा को जानता नहीं हूँ इसलिए शोक सागर में डूब रहा हूँ। तम माम भगवान शोक से पारम तारे, इसलिए हे भगवान आप मुझको शोक सागर से पार करें। ऐसा अर्जुन ऐसा नारद जी ने सनत कुमार जी से प्रार्थना की। अब सनत कुमार जी नारद जी को इसी आत्मज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, सो आगे बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।